कल एग्जैक्टली क्या हुआ, मेल कब आया आप लोगों को और किस तरीके से आप लोगों ने इवैक्यूएट किया? करीब 9:30 बजे करीब हमें मेल मिली है और उसके बाद जैसे ही हमें मेल मिली तो हमने सबसे पहले जो अपनी जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसकी दी और उसके बाद हमने जो हमारी जो इंटरनल टीम हमने बिल्ड बनाई ताकि जो ओपन स्पेस है उसको चेक कर लें। तो जैसे ही वो ओपन स्पेसेस हमारी चेक हुई 9:55 पे हमने जो सायरन था वो बजाया, तो उसके बाद सारे बच्चों को ओपन स्पेस पे लेके आए और यहाँ पे पुलिस की टीम भी उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया, उन्होंने भी देखा। जब ये मेल आया उसके बाद कितना स्ट्रेस था बच्चों को मैनेज करना, पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुँचाना और पेरेंट्स पैनिक ना हो, आराम से अपने बच्चों को ले जाएं तब तक की सिक्योरिटी मेंटेन करें। देखिए इस तरह के जो थ्रेट मेल्स आते हैं ये तो है ही कि पैनिक एक बटन दबाता है, पैनिक तो होती है सिचुएशन, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि जब अगर जब तक आप अपना कूल रखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, तो वही होता है। पैरेलली हमने 3-4 चीज़ें एक साथ करी, जैसे कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, उसके बाद जो आउटर स्पेस मैंने बताया कि चेक किए सारे, फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है कैसे बच्चों को हम बाहर लाएंगे, तो सायरन के साथ वो टाइमिंग वगैरह और साथ में पेरेंट्स को जो मैसेज है वो देना, तो वो सारी प्लानिंग के साथ ही हम लोगों ने किया था। दिल्ली NCR के कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बॉम्ब की हॉक्स कॉल मिली थी, उसके बाद से ही स्कूल प्रशासन ने कल के लिए कई सारे स्कूल को बंद कर दिया गया था। उसके बाद से परिवार वाले स्कूल पहुंचे थे, मैसेज किया गया था कि अपने बच्चों को वहां से ले जाइए स्कूल से, और उसके बाद परिवार वाले यहां स्कूल पहुंचकर अपने बच्चों को ले गए हैं। एहतियातन आज भी कुछ स्कूल बंद हैं। एल्कॉन पब्लिक स्कूल है, ये मयूर विहार का यहाँ मौजूद हैं और ये एल्कॉन पब्लिक स्कूल आज बंद किया गया है एहतियातन। ऑनलाइन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो क्लास है वो चलाया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे फिजिकली रूप से बच्चे आते थे पढ़ाई करने के लिए वो आज बंद है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आज के लिए इस पूरे बंद को जो फिजिकल यहाँ पे बच्चों को रोका गया है आने से वो किया जा रहा है, हालांकि ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो चल रही है, वो बाधित नहीं हुई है। इसी तरीके से कुछ और स्कूल भी हैं जहाँ पर ऑनलाइन रूप से जो पढ़ाई है वो चल रही है, फिजिकल रूप से स्कूल में आने को मना किया गया है एक दिन के लिए। एहतियातन रूप से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे कल, यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हो या फिर नोएडा पुलिस हो, दोनों इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी ऐसे ईमेल्स मिले थे, वहां भी पुलिस ने मामला दर्ज करके जो जांच है वो शुरू कर दी है। जिस तरीके से इतने सारे हॉक्स कॉल मिले थे स्कूल प्रशासन को, उसके बाद से एक हड़कंप समझ गया था और लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि स्कूल प्रशासन ने कई सारे जो हैं वो मैसेज करके आज सुबह आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस चेक करके जा चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड चेक करके जा चुकी है, ऐसे में आप बच्चों को स्कूल भेजिए। उसके बाद आज कई सारे स्कूल खुले हैं, कई सारे स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो आज करवा रहे हैं एहतियातन सुरक्षा के मद्देनज़र। आज एल्कॉन पब्लिक स्कूल में भी ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है, फिजिकली यहाँ पर बच्चों को आने से मना किया गया है आज के लिए। दिल्ली NCR के कई सारे स्कूलों में बॉम्ब की हॉक्स कॉल मिलने के बाद एक तरीके से हैवॉक की स्थिति पैदा हो गई, पेरेंट्स परेशान हो गए, टीचर्स परेशान हो गए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो गया और उसके बाद आनन फानन में बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, घर भेजा गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसके बाद कल चीजें जब सामान्य हुई तो आज कुछ स्कूलें खुले हैं, कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल पे हैं, कुछ बंद हैं अभी एहतियातिक रूप से। दीपक सर हमारे साथ है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर आज आपका स्कूल किस मॉड्यूल पे है, क्या बंद है, खुला है, ऑनलाइन जा रहे हैं आप लोग? हम लोग आज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। फिजिकल रूप से आज आपने स्कूल को बंद रखा है? आज फिजिकली नहीं खुला है स्कूल, एहतियात के तौर पर हमने ये डिसीजन लिया है कि बच्चों की पढ़ाई भी सफर न हो और इस तरह से कोई उनको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के रीजन से हमने ये डिसीजन लिया कि आज ऑनलाइन हम लोग क्लासेस करेंगे। अगर सीक्वेंस समझना चाहें तो कल एग्जैक्टली क्या हुआ, मेल कब आया आप लोगों को और किस तरीके से आप लोगों ने इवैक्यूएट किया? करीब 9:30 बजे करीब हमें मेल मिली है और उसके बाद जैसे ही हमें मेल मिली तो हमने सबसे पहले जो अपनी जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसकी दी और उसके बाद हमारी जो इंटरनल टीम हमने एक बिल्ड बनाई ताकि जो ओपन स्पेस है उसको चेक कर लें। तो जैसे ही वो ओपन स्पेसेस हमारी चेक हुई 9:55 पे हमने जो सायरन था वो बजाया, तो उसके बाद सारे बच्चों को ओपन स्पेस में लेके आए और यहाँ पे पुलिस की टीम भी उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया, उन्होंने भी देखा। और उसके साथ साथ ही जब हम बच्चों को इवैक्यूएशन ड्रिल कर रहे थे, पेरेंट्स को हमने इंटीमेट कर दिया था कि बच्चों को सेफ्टी रीजंस के लिए आके लेके जाएं,
तो ये था थोड़ा सा, पेरेंट्स में पैनिक था, पर बच्चों को एक एक नॉर्मल सा हम लोग करते रहते हैं ड्रिल, जो डिजास्टर ड्रिल्स होती हैं होती रहती हैं सायरन के साथ उनको बाहर निकलने की, तो सारे रूट्स बने हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो एक इवैक्यूएशन ड्रिल जो थी उनको मॉक ड्रिल की तरह से उनके नॉलेज में लाया गया था। फिर बाद में इसको डिस्क्लोज किया जब पेरेंट्स आए, देखा कि नहीं कुछ और ये है, तो तब जाके इस तरह से क्लास वाइज हमने डिस्पर्स किए सारे बच्चे, उनका रिकॉर्ड पूरा रखते हुए, इंश्योर करते हुए कि हाँ सारे बच्चे घर टाइमली पहुंच गए हैं, जो बस यूज़र्स थे, जो ऑन फुटर्स थे, जो टैक्सी यूज़र्स थे, उन सबको तो क्लास वाइज प्रॉपर फॉलोअप हर एक क्लास टीचर ने, हर एक टीचर ने फॉलोअप किया कि हाँ बच्चे सुरक्षित पहुंच गए हैं। तो क्वाइट वर्क था स्कूल के लिए, और एक सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी, लेकिन जिस तरह से हमारे स्टाफ ने, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को संभाला, माय वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन फॉर एवरीबॉडी। कितना स्ट्रेस था, क्योंकि ऐसे हालात ना आपने सोचा होगा, ना आपने कल्पना की होगी, ना किसी स्कूल ने किया होगा। जब ये मेल आया उसके बाद कितना स्ट्रेस था बच्चों को मैनेज करना, पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना, और पेरेंट्स पैनिक ना हो, आराम से अपने बच्चों को ले जाएं, तब तक की सिक्योरिटी मेंटेन करना। नहीं देखिए, इस तरह के जो थ्रेट मेल्स आते हैं, ये तो है ही कि पैनिक एक बटन दबता है, पैनिक तो होती है सिचुएशन, लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि जब आप, अगर जब तक आप अपना कूल रखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो वही होता है, हमारे सेक्शन हेड्स हैं, हेडमिस्ट्रेसेस हैं चारों सेक्शंस की, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उन सब की टीम का मैंने मीटिंग ली सबसे पहले, उनको सिचुएशन बताई कि ये सिचुएशन है और ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। तो पैरेलली हमने तीन चार चीज़ें एक साथ करी, जैसे कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, उसके बाद जो आउटर स्पेस मैंने बताया कि चेक किए सारे, फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है कैसे बच्चों को हम बाहर लाएंगे, तो सायरन के साथ वो टाइमिंग वगैरह, और साथ में पेरेंट्स को जो मैसेज है वो देना, तो वो सारी प्लानिंग के साथ ही हम लोगों ने किया था। तो स्ट्रेस पैनिक तो था, बट उसको हमने एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे बच्चों को और स्टाफ में, क्योंकि अगर हम पैनिक एक्सप्रेस करते हैं तो एक सिचुएशन ऑकवर्ड सी होती है। तो लेकिन इसको जिस तरह से हैंडल किया, मैं फिर से यही दोहराऊंगा, जिस तरह से हैंडल किया पूरे स्टाफ ने, लग के काम किया, क्योंकि जब थ्रेट है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो स्टाफ के लिए भी है, वो जितने भी लोग कैंपस में उन सब के लिए वो थ्रेट है। पर अपनी परवाह न करके बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना, और उस स्टाफ ने बहुत अच्छे से किया। आज तो आप ऑनलाइन मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, कब तक स्कूल वापस से सुचारू रूप से चलने को तैयार हो जाएगा? अभी क्या सिक्योरिटी ब्रीफिंग आप देख रहे हैं, चेकिंग देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया था रात को, बम स्क्वाड की जो टीम है उन लोगों ने आके यहाँ पे वेरीफाई की हैं, चीज़ें चेक की हुई है, और हमने अपनी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। जो भी वेंडर्स हैं, चाहे कोई भी स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं बगैर आइडेंटिटी के, वो एंटर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप लोगों को भी टाइम लगा होगा अंदर आने में, उन्होंने अलाउ नहीं किया होगा, तो कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन कैंपस में अलाउड नहीं है, और कोई भी अगर कैंपस में एंटर करेगा तो बगैर आइडेंटिटी चेक के हम लोग उनको एंटर नहीं करने दे रहे हैं। कब तक सर स्कूल फुल फ्लेज चलने को तैयार हो जाएगा? ये डिपेंड करता है, आज हम शाम तक इसका रिव्यू लेंगे कि किस तरह की सिचुएशन है, पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है, बच्चे कैसे हैं, तो उसके बाद ही हम ये कॉल ले पाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हम वापस अपने रूटीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी ज़्यादा कल स्ट्रेस हो गया था, चाहे प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, बच्चे हो, बच्चों के पेरेंट्स हो, जिस तरीके से मेल्स आए थे बॉम के, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले। लेकिन एनकोर पब्लिक स्कूल में काफ़ी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया था, क्योंकि पहले से ड्रिल कराया गया था बच्चों को, पहले से ही एक मॉक ड्रिल के जरिए उनको ऐसे जो पैनिक चीजें हैं, पैनिक सिचुएशन है, उनसे निकलने के उपाय बताए गए थे, स्टाफ को ट्रेन किया गया था, और वही बचाया भी लोगों को, और बड़ी शांति के साथ यहां पर बच्चे निकले और अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर गए। ऐसे ही मॉक ड्रिल बार बार जो प्रशासन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा कराती रहती है और करानी भी चाहिए, ताकि ऐसे पैनिक सिचुएशन में जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके से तकलीफ ना हो, और बहुत स्मूथली जो पेरेंट्स हैं वो पैनिक ना करते हुए अपने बच्चों को यहां से वापस ले जाए।